मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बिहार स्पेशल में। बता दें आपको कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों को हमेशा ही किसी ना किसी नई चीज की एक ललक होती है और कुछ नया करने का जज्बा होता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए बिहार की, तो यहाँ से तमाम ऐसी हस्तियां बिहार ने दी है देश को और पूरी दुनिया को, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं। और साथ ही साथ बिहार से जुड़ी तमाम तरह की खबरें आती हैं। और इस खास प्रोग्राम बिहार एक्सप्रेस में मैं आप सभी के सामने कोई एक ऐसी खबर लेकर सामने आती हूँ जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है, सबसे अलग है और बिहार से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि हाल ही में एक खास खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि भागलपुर के नौगछिया में गोपाल सिंह नाम के एक शख्स हैं जो कि तमाम तरह की खेती करने के लिए जाने जाते हैं। बता दें आपको कि गोपाल सिंह इससे पहले नारंगी और कई सारी चीजों की खेती कर चुके हैं और लोगों के सामने अपना एक उदाहरण पेश कर चुके हैं कि जहां चाह वही राह। तो हाल ही में उन्होंने कश्मीर के सेब बिहार में उगा दिए। जी हां, उन्होंने सेब की खेती करनी शुरू कर दी और लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। बता दें आपको कि गोपाल सिंह उन खास लोगों में से एक हैं जो कि अपने जज्बे के बल पर, अपने काबिलियत के बल पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हाल ही में उन्होंने जहां नारंगी, यानी कि जो कि नारंगी नागपुर की होती है और कहा जाता है कि नागपुर की स्पेशल होती है नारंगी, और नारंगी ज्यादातर पूरे इंडिया में नागपुर से लाई जाती है, तो वहीं अगर सेब की बात की जाए तो सेब भी कश्मीर के लिए जाने जाते हैं और कश्मीर से लगभग पूरे दुनिया में, और ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में तो कम से कम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, हर जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन बता दें आपको कि अब बिहार में भी कश्मीर के सेब मिलेंगे और ये देन है आपके भागलपुर के नौगछिया के गोपाल सिंह की। जी हाँ, बता दें आपको कि उन्होंने हाल ही में सेब की खेती की है और काफी सारा नाम भी बटोरा है। तो बता दें कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में आ गए हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है उनके ऊपर इस खास प्रोग्राम में मैं आप सभी के सामने वही लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार के लोग हमेशा से ही अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं और गोपाल सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया। तो लोगों का क्या कहना है इस खास प्रोग्राम में मैं आप सभी को उनके कमेंट्स के जरिए बताऊंगी और बताऊंगी कि लोगों ने क्या कुछ कमेंट्स किए हैं गोपाल सिंह के इस खास जज्बे पर, इस खास कारनामे पर, और उन्होंने जिस तरह से कश्मीर का सेब बिहार में उगा दिया उस पर लोगों का क्या कहना है, वो सारी बातें आपको इस खास प्रोग्राम में बताऊंगी जो कि आप उनके कमेंट्स के जरिए आप सभी के सामने पेश की जाएंगी। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं लोगों के कमेंट्स पर और देखते हैं कि लोगों ने गोपाल सिंह के इस खास सेब की खेती पर क्या कुछ बातें अपने कमेंट्स में लिखी हैं। इन दिनों बिहार में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है और अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो बता दें कि बिहार के नौगछिया के किसान गोपाल सिंह ने जहां नागपुर की नारंगी उगाकर हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया था, तो हाल ही में उन्होंने शुरू कर दी है सेब की खेती और इस सेब की खेती को लेकर भी वो इन दिनों काफी चर्चे में है। कहा जाता है कि सेब कश्मीरी और नागपुर का नारंगी काफी फेमस है, लेकिन अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार अपने ऐसे खास लोगों के लिए फेमस है जो कि अपने जज्बे के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पर कहीं भी कुछ भी करके दिखाना जानते हैं और यही किया है गोपाल सिंह ने। बता दें आपको कि हाल ही में उन्होंने सेब की बागवानी शुरू की है और लोगों का उन्हें ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, लोग उन्हें उत्साहित कर रहे हैं इन सब कामों को करने के लिए। गोपाल सिंह ने एक बार ये भी बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है इन सब कामों को शुरू करने में, क्योंकि सेब के लिए अलग ही वेदर चाहिए होता है, मौसम चाहिए होता है और माहौल चाहिए होता है जो कि कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर मिल जाता है, लेकिन बिहार में फिलहाल ठंड के मौसम में इस तरह की ठंड पड़ रही है कि वो सेब उगाने के लिए काफी है और गोपाल सिंह ने फटाफट सेब की बागवानी शुरू कर दी और लोगों का ढेर सारा प्यार उन्हें मिल रहा है।
बता दें आपको कि गोपाल सिंह हमेशा से ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते रहे हैं और साथ ही साथ कई बार तो उन्हें नारंगी उगाने की वजह से कई जगह उन्हें नारंगी मैन भी कहा जाता है और लोग उन्हें काफी ज्यादा जानते हैं और अपनी बागवानी को लेकर, अपनी खास तरीके की बागवानी को लेकर वो खासा लोगों के बीच चर्चे का विषय बने रहते हैं और लोग उन्हें ढेर सारा प्यार भी देते हैं। वहीं अगर बात की जाए लोगों के कमेंट्स की इन खास खबरों पर, तो बता दें कि लोग अपना प्यार अपने कमेंट्स के जरिए उन्हें देते हैं। बता दें कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा गोपाल चाचा, बिहार की सरकार इनका सपोर्ट करे, आई होप बिहार विल बी नंबर वन इन एवरीथिंग। तो वहीं आगे कमेंट आता है कि बिहारी होने पर मुझे गर्व है, हम जय बिहारी, आई लव यू माई बिहार, जिंदाबाद। तो अगला कमेंट है कि हम हरियाली पैदा करते हैं, प्राकृतिक का सुंदरता बढ़ाते हैं, जिसके सामने कोई भी सुंदरता कुछ भी नहीं। तो अगला कमेंट है कि जब तक बिहार में यादव गुंडागर्दी और यादवी जंगल राज खत्म नहीं होगा, तब तक बिहार में कुछ नहीं होगा। बता दें आपको कि ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक परिवार की तरफ एक इशारा है, एक फब्दी है, या फिर कह लीजिए कि एक आक्रोश है किसी का जो लोगों ने शेयर किया है। हालांकि हम इस पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आगे फैन लिखते हैं कि ग्रेट, बी पॉजिटिव, नीड मार्केटिंग, गॉड विल क्रिएट दिस एज वेल, होप फॉर द बेस्ट, आई प्रे फॉर बिहार। तो अगले कमेंट में अगर हम बात करें तो अगले कमेंट में एक शख्स ने लिखा है, हम बिहारी पूरी दुनिया पर भारी, हम किसान हैं, हम अमृत पैदा करते हैं, जिसके सामने पैसा कुछ नहीं है। बता दें आपको कि इस तरह के तमाम तरीके के कमेंट्स लोग कर रहे हैं उनके इस खास कारनामे पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि सेब तो ठंडी जगहों पर ही उगाए जाते हैं, लेकिन जब बिहार जैसे एरिया में सेब उगाकर गोपाल सिंह ने हर किसी के सामने एक मिसाल पेश की है और लोग उन्हें काफी ज्यादा सराहना दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं। तो वहीं एक कमेंट आया है कि सुपर क्लास तरीका, वेल सेड सर जी। तो अगले कमेंट में एक लिखते हैं कि गवर्नमेंट का पुरस्कार देने के साथ हेल्प भी करनी चाहिए। तो वहीं अगला कमेंट है, सभी फ्रूट का पैदावार होगा। वहीं अगला कमेंट है, जय बिहार सैल्यूट है सर आपको। तो अगला कमेंट है, लगे रहो, हमें यही सब बिजनेस चाहिए। तो वहीं अगला कमेंट है, ग्रेट न्यूज। तो अगला कमेंट है, अब नहीं रुकेगा हमारा बिहार। लोगों को गोपाल सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और लोग अपने इन कमेंट्स के जरिए गोपाल सिंह को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं और उन्हें उत्साहित कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को कहीं ना कहीं उन पर काफी ज्यादा गर्व हो रहा है। बता दें आपको कि गोपाल सिंह इससे पहले अपने कई तरह की बागवानी को लेकर जाने जाते हैं और वो तरह तरह की बागवानी भी कर चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू उनका सामने आया और उन्होंने इस दौरान बताया कि वो इससे पहले केले की बागवानी किया करते थे, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ ने उनके इस बिजनेस पर पानी फेर दिया। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और नारंगी उगाने का सोचा और नारंगी उन्होंने YouTube को देखकर, वहां पर टेक्नोलॉजी को देखकर उगाना शुरू किया और लोग उनके इस टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा तारीफ भी किए। बता दें आपको कि बिहार में उन्होंने रहकर नारंगी उगाया और साथ ही साथ लोगों के सामने ये मिसाल पेश की कि नारंगी सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि बिहार में भी उग सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में आम और लीची की पैदावार ज्यादा होती है, तो लेकिन अब जब गोपाल सिंह ने शुरुआत की है तो जगह जगह नारंगी भी उगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि नारंगी के लिए भी बिल्कुल वैसा ही मौसम चाहिए, वैसा ही माहौल चाहिए जो आम लीची के लिए चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ एक नॉर्मल मौसम चाहिए होता है जो कि बिहार में होता है और इस वजह से वो नारंगी उगाते हैं। तो अब सेब की पैदावार भी हो रही है और लोग उनको कमेंट्स के जरिए ढेर सारा उत्साह दे रहे हैं और साथ ही साथ हर कोई उनके इस जज्बे को सलाम कर रहा है और हर कोई उनके इस कारनामे पर काफी गर्व महसूस कर रहा है और अगर कोई बिहारी है तो उन्हें उन पर काफी ज्यादा गर्व भी महसूस हो रहा है।
तो दोस्तों ये थे कुछ खास कमेंट्स और साथ ही साथ गोपाल सिंह को लोग बधाइयां दे रहे हैं, तो कोई उन्हें कॉन्ग्रेट्स कर रहा है और साथ ही साथ कई लोगों को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। तो बिहार में ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो अपने किसी न किसी बात से एक मिसाल पेश करते हैं हर किसी के सामने और कुछ नया करते नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों के जज्बे को हमारा सलाम, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में जो कि बिहार से जुड़ी होगी और बिहार के लोगों से जुड़ी होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया और साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।